तो भाई मुझे बद्रीनाथ धाम रे अच्छे तो आप समस्त को बद्रीनाथ धाम को स्वागत। तो भाई आज मुझे बद्रीनाथ जाऊँ तो एटा श्रीनगर पाखापाखी जगह तो एटा हमर प्रथम बस स्टॉपेज माने आम राति 3:15 बस थी पाखापाखी से 3:30 कि 3:25 छाड़ा तो आम रातिर आसलू मतलब भोर आसलू आउ एवे वर्तमान पाखापाखि 8 पाखापाखि हेबो इटा मोर प्रथम बस स्टॉपेज आउ गोटे बस स्टॉपेज हे आफ्टरनून मिल तापर संध्या बेल आम पहुँची जब आउ। तो भाई आमको से पहुँचापी पाखापाखि 3:30 हो जाए तो 302 किलोमीटर रास्ता तो मुझे ओल्ली बद्रीनाथ आपण को आ कि जनावि। तो भाई अबे मु आसीगली बद्रीनाथ धाम तो यहाँ एक्चुअली बद्रीनाथ धाम बस स्टॉपेज तो ये जो तीर्थ यात्रा करिया जो लोक मैंने आसती से माने जो बस रे जो मैंने आसते ये रुहत आ गाड़ी में आसले रुहत समस्त यू पुणी चलवा आरंभ हुए पखापाखि 1.5-2 किलोमीटर चलवाप आमर भगवान अर्थात बद्रीनाथ मंदिर निकट हूँ आईटी आपण को पखापाखि 3 घंटा पखापाखि लाइन लगे पड़ो कारण आम जब जाइलु तो आमको 2 घंटा 2.5 घंटा लाइन देवाक पड़ता 1.5 किलोमीटर दूर रु चिंता कर तो आम लाइन देला पखापाखि 5टा लाइन दीलु आमको 8:30 एंट्री मिलला मंदिर भितर को। तो आपण देखिपे ये जो आपण को देखा बादल धड़ा धड़ा सब यहाँ प्रकृत में बादल आउ बरफ तो आम ये ठिया जदि आप ठीक से पोशाक नहीं आसवे कारण अवस्था भाई खराब हो मैं 2टी पोशाक पिंधि तथापि बहुत ठंडा लगता मतलब 2 ड्रेस पिंधि आउ टोपी पिंधि बूट सूट सब पिंधला पर भी थंडा लगता फेर पुणी सहीटा शीत दिन भी नाला गरम दिन थी तो आप पूरा प्रिपेयर हो आसतु ठीक अच्छे अधिक पा पीवाई चेस्टा करूँ आपण तो शोष लगे ना कि पा पीवाई चेस्टा करेंगे हाँ। तो मुझे आउ गोटे कथा कह हाँ आपंट शीघ्र जावाई चेस्टा करूँ तेब जाना आपण को ठीक टाइम मंदिर ठाकुर को दर्शन मिल ना 10टा आम जब जाइलु सब अलाउंस है कि 10टा पर भगवान आरत हो बंद हो मंदिर तो आम ठीक ठाक पहुँची करूँ 8:30 मंदिर को एंट्री है फिर पुणी आमको शीघ्र शीघ्र एंट्री करने पड़ा कारण लोक बहुत भिड़ था 10टा सुधा मंदिर बंद हो तो आप चेस्टा करेंगे शीघ्र जावाई आम ये रास्ता देखुं आप रास्ताटा से रिपेयर होता तो एमती किसी नाला कि खराब तेरे ठीक ठाक रास्ता थी आउ साइड्रे आप देखिपे ये पाइप लाइन बोध से आमर कंस्ट्रक्शन भी किसी कम चलता बिल्डिंग फिल्डिंग तो यहाँ आम जाए सर्ट रास्ता तेणु एमती तो आपण को भल रास्ता भी अच्छी तो किसी प्रॉब्लम ना आप चाहिए से रास्ता जापर टे घोरा हे आमती किसी प्रॉब्लम ना तो आम यू जो जाऊ सैड्रे बहुत दुकान देखा मिल ए रास्ता टे कम अच्छी आग रास्त जो भल रास्त दुकान अधिक अच्छी तो आपण जब जाऊँगी मंदिर को तो सहीटिकिना दुकान रू जहाँ भी कि अर्थात प्रसाद प्रसाद जहाँ भी किणुंटी आपण सोस आ बैग को रखिदेवे कारण देखते मुझे बैग नहीं जाऊँगी आ भाई मोर तो हालत पूरा खराब थी कारण रास्त मत 3 कि 4 खंडे बांति आई खाई थी दिन सारा तो अवस्था पूरा खराब आ रास्त एमती दुकान आपण को बहुत दुकान देखा मिल जाव हाँ मुझे कहते कि आप जो कि भगवान प्रसाद किणुंटी तो सही आप जोता आउ बैग को रखु कौन से किसी चोरी हे ना मुझे तो भाई सेमती करी आप चेस्टा करेंगे जी कौन पैसा दे रखिपर हाँ आप चाहिए लकर भी रखिपारे कि आउ गोटे कथा आम हरिद्वार आमर एंट्री परमिशन नहीं कि आसलु से बारकोड थी से आई देखापर से परमिशन बारकोड स्कैन करी गोटे पर्ची देले तो आम से पर्चीटा देखा पर एंट्री मिलला तो आपण जदि भी आसती चेस्टा करेंगे किसी परमिशन नहीं कि आसपा कारण ये बोधे मिलूब आपण से बोझने से आसवा समय रे। तो रास्त भाई आपण जो भी बारंबार कहते जो भी जहाँ किणुंट बैग रखापी चेस्टा करूँ कारण बैग एंट्री ना कि मोबाइल एंट्री अच्छी
ହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ। ତ ଭାଇ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ବଦ୍ରି ବିହାର ଆଶ୍ରମ, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ବଦ୍ରି ବିହାର ଯାହା ହଉ, ସେଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଗଣା ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳିବ ସବୁ। ଆମେ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ଭାଇ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା, ତ ସେଇଠି କିଛି ମୁଡ଼ୁମୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ମିଳିଗଲା, ତ ଆମେ ଖାଇଲୁ ସେଇଟା, ଆଉ ଚାହା ବି ଦିଆଗଲା। ତ ଭାଇ ଶୀତ ସମୟରେ ତ ସେଇଟା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଥିଲା ଚାହା। ମୁଁ ଚାହା ଭାଇ ସେମିତି ପିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପାୟ ନଥିଲା, ହଉ ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସି ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆମେ ଖାଇଲୁ ଭାତ ସିମେଇ ଆଉ ରୁଟି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ, ସେଠି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବାହାରୁ ବି ଖାଉଛନ୍ତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମିଳିବ ହୋଟେଲ। ଆଉ ଯଦି ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 1000-1400 ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ରାତିର ରୁମ୍ ମିଳିବ। ହଁ ଭାଇ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସିକିନା 5:30 କି 5:30 ଲାଇନ୍ ଦେଲି, ମୋତେ 8:30 ବେଳକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଲା। ତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଲାଇନ୍, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼, ଏମିତି ଲୋକ କିଛି କ୍ୟାମ୍ପ କରିକି ମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସାଇଡ଼୍ରେ ବି ଦୋକାନ ଅଛି, ଆଉ ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧଳା ଧଳା, ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରକୃତରେ ବାଦଲଟା ଥିଲା ଆଉ ବରଫ। ଯେତେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିବ ସେତେ ବରଫ ଜମିଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଘାଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘାଇର ଦୃଶ୍ୟ ଉଠିଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଆଉ ଯଦି ଭାଇ ଏଠି ଗଳି ପଡ଼ିଲେ ସଇଲା ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ଖତମ। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ପଥର ଭାଇ ଖସୁଥିଲା, ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଆମେ ଆସିବା ପରେ ଖସିଲା, ଆମେ ସାଇଡ଼୍ କାଟି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।